नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम जो कंसेप्ट होता है वो यूज़ करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स से। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो आता है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के जो एक्सचेंज होता है एनर्जी, उस पर आधारित होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम इज़ वन ऑफ दैट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी और मैटर विद सराउंडिंग। यानी ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है, एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है, बोथ एनर्जी एंड मैटर जो होगा वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज जाएगा, तो वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। अगर हम दूसरे शब्द में देखें कि ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वर्क और मास अक्रॉस द बाउंड्री। ये अलाउ क्या करता है, ये अलाउ करता है हीट और वर्क और मास जो अक्रॉस द बाउंड्री। हम बात करते हैं आगे, अगर ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल में तो इंक्लूड अ पोर्ट ऑफ बॉइलिंग वाटर, आप देख सकते हैं, जहाँ पर हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग और वाटर एवोपरेट हो जाता है, और एन ऑर्गनिज्म दैट टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं जो कि क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम जो होता है अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। यानी क्लोज सिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होगा वो केवल इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क में होगा, बट डज नॉट परमिट द एक्सचेंज ऑफ मैटर विद सराउंडिंग। तो इसमें मैटर जो होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ, केवल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होगा वो केवल हीट और वर्क के अकॉर्डिंग जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा। जो बाउंड्रीज होती है क्लोज सिस्टम की वो डिफाइंड होती है, और जहाँ पर एनर्जी जो होती है वो कैन फ्लो कर सकता है अक्रॉस द बाउंड्री, नो मास कैन इंटर या लीव द सिस्टम। तो जैसे यहाँ बताया वो क्लोज सिस्टम का मतलब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पर नो मास कैन इंटर या लीव द सिस्टम। स्टीम इंजन एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का, जिसमें कि एक्सचेंज होता है हीट और वर्क विद सराउंडिंग के साथ, लेकिन वाटर और स्टीम जो होती है वो रिमेन्स विद इन द सिस्टम, यानी मास ट्रांसफ़र नहीं होता है क्लोज सिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वन ऑफ दैट डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी या मैटर टू इट्स विद सराउंडिंग, यानी इसमें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होता है। इट इज़ अ सेल्फ कंटेन एंटिटी विद नो इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो ये एक सेल्फ कंटेन एंटिटी है जिसमें कि नो इंट्रैक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ। इन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल एनर्जी और मास होगा वो क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है। द यूनिवर्स एज अ होल इज ऑफन कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड, यानी यूनिवर्स हमारा क्या है, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है। ऑल दो इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इन अ प्रैक्टिस। तो समरी में हमने यह देखते हैं कि जो मेन डिफरेंस बात करें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज करता है बोथ एनर्जी और मैटर, क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज करता है एनर्जी बट नॉट मैटर, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो डू नॉट एक्सचेंज करता है आइदर एनर्जी या मैटर। थैंक्स फॉर शेयरिंग।